हे माय बटरफ्लाई, कैसा आप सब? गुड। आपके सवाल देख ले जाएं। दिए रैंडम एल्बम और वीवर सेट क्या होता है, प्लीज़ बताना। रैंडम एल्बम, यहाँ बहुत से लोग होंगे जिन्होंने रैंडम एल्बम का नाम नहीं सुना होगा, है ना? हाँ, मैंने भी नहीं सुना। ऐसी कोई एल्बम नहीं होती है। हम दूसरों के एल्बम को, अगर हम किसी दूसरे आर्टिस्ट का नाम नहीं लेना चाहते, तो ऐसे ही बोल देते हैं रैंडम एल्बम। जैसे कि ये BTS एल्बम है और ये रैंडम एल्बम है। ऑफिशियली रैंडम एल्बम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सोशल मीडिया में बैठे लोग नए नए वर्ड बनाते रहते हैं, ये भी उनमें से एक है। जहाँ तक बात है वीवर सेट की, तो वो तो पूरी एल्बम होती है। ये लव योरसेल्फ एल्बम का पूरा सेट है। इन एल्बम के अंदर CD, फोटो कार्ड, फोटो बुक, स्केच बुक, एडल के खुद के हाथ से लिखे हुए और सॉन्ग लिरिक्स और सॉन्ग के अलग अलग वर्जन, ये सब होते हैं। और कई बार अनसीन मोमेंट की DVD भी होती है। कुछ ऐसे मोमेंट की वीडियो जो सिर्फ एल्बम खरीदने वालों को ही मिलती है। ओके, रैंडम एल्बम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये वर्ड सिर्फ लोगों ने बनाया है। दी अपेंडिक्स सर्जरी क्या होती है और जिमिन की भी ये सर्जरी हुई है क्या और क्यों, प्लीज़ रिप्लाई करना। आई लव यू टू हनी। आई एम नॉट ए डॉक्टर, बट हमारी बॉडी में अपेंडिक्स एक पतली थैली यानी पाउच होती है जो हमारी बड़ी आंत से कनेक्ट होती है। ये हमारे पेट के लोअर पार्ट में होता है। अगर किसी को अपेंडिसाइटिस है तो उसका अपेंडिक्स हटाने की सर्जरी कराई जाती है। अगर इलाज नहीं किया गया तो अपेंडिक्स फट सकता है, और अगर पेट में ये फट गया तो इससे पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैलेगा, इसलिए अपेंडिक्स सर्जरी होती है। जिमिन की 2022 में हुई थी और साथ ही उस वक्त उन्हें कोविड भी था। फरवरी 2022 में जिमिन ने पोस्ट में अपने ठीक होने की अपडेट दी थी। जिमिन को 3 दिन से पेट में दर्द था और गले में खराश थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जनवरी 2022 में उनकी अपेंडिसाइटिस के लिए सर्जरी हुई। 2 फरवरी को जिमिन ने पोस्ट पर आर्मी के लिए लिखा, आपको परेशान करने के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि मुझे जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी। मैं ठीक हो रहा हूँ और मैं अपना ख्याल रखूँगा और 3 टाइम का खाना खाऊँगा। प्लीज़ थोड़ा वेट करें, मैं जल्दी ठीक होकर आऊँगा। इसके साथ ही जिमिन का कोविड भी ठीक हो गया था। तब से जिमिन फिट एंड फाइन है। नेक्स्ट सिस्टर, आज मेरा भी एक क्वेश्चन है, प्लीज़ मुझे बताएं। सिस्टर, ब्लैक पिंक से ज़्यादा अवार्ड ट्वाइस ग्रुप ने जीता है, तो फिर ट्वाइस पॉपुलर क्यों नहीं हुआ? और फिर बिना पॉपुलर के वो ज़्यादा अवार्ड कैसे विन कर लिया? और ब्लैक पिंक पॉपुलर है तो उसने ज़्यादा अवार्ड क्यों नहीं विन किया, प्लीज़ मुझे बताएं। लव यू सो मच सिस्टर, आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, लव यू टू हनी, तुम भी अपना ख्याल रखना। ओके, अवार्ड्स का पॉपुलैरिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। एक्चुअली ट्वाइस अब तक 312 बार नॉमिनेट हुआ है, जिसमें से वो 114 बार जीती है। ब्लैक पिंक 334 बार नॉमिनेट हुई है लेकिन 102 बार जीते हैं। सो या ट्वाइस के पास ज़्यादा अवार्ड हैं। ट्वाइस के पास इंटरनेशनल फैंस कम है, ऐसा नहीं कि वो पॉपुलर नहीं है, वो पॉपुलर हैं लेकिन उनके पास इंटरनेशनल फैंस कम है, क्योंकि वो इंग्लिश का यूज़ बहुत कम करते हैं, ना के बराबर, इसलिए वो बाहर के फैंस से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। उनके सॉन्ग आज भी कोरियन ट्रेडिशनल कोरियन रिदम पर बेस्ड हैं, जबकि YG ने शुरू से ही ब्लैकपिंक के लिए इंटरनेशनल म्यूज़िक का इंतज़ाम किया। आप ट्वाइस और ब्लैकपिंक के सॉन्ग को सुनना, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी म्यूज़िक बिल्कुल अलग है, टोटली अपोजिट। ट्वाइस के सॉन्ग मोस्टली क्यूट, सॉफ्ट, स्वीट तरीके के होते हैं, जबकि ब्लैकपिंक के बॉसी, कॉन्फिडेंट। YG कंपनी को पहले से ही पता था कि अगर वो भी सॉफ्ट स्वीट टाइप के सॉन्ग बनाएगा तो वो बाहरी लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाएगा इंटरनेशनल लोगों से। नाइस आइडिया। इसमें कोई शक नहीं कि ब्लैकपिंक के पास ट्वाइस से ज़्यादा फैंस हैं, इंटरनेशनल फैंस हैं, लेकिन फिर भी अवार्ड ट्वाइस के पास ज़्यादा हैं। इसका रीज़न है एल्बम्स। फैंस जो वोट करते हैं उसका 20-30% ही अवार्ड में काउंट होता है, बाकी 70% अवार्ड की टीम खुद से आर्टिस्ट के एल्बम, मतलब उनकी एल्बम कौन सी है, किस टाइप की है, आइडल ने अपनी एल्बम में कितना कंट्रीब्यूट किया है, कितना काम किया है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कितनी थी, कितनी एल्बम बिकी है, ये सब देखकर वो विनर चूज़ करते हैं। ट्वाइस के पास 7 स्टूडियो या लॉन्ग एल्बम है,
ब्लैकपिंक के पास सिर्फ 2। ट्वाइस के पास 37 सिंगल्स हैं, ब्लैकपिंक के पास सिर्फ 12। ज़्यादातर अवार्ड के लिए लॉन्ग एल्बम का होना ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर बड़े अवार्ड के लिए जिसे कहते हैं ग्रैंड प्राइज दसंग। ट्वाइस को 2016 में ही ग्रैंड अवार्ड मिला था दसंग, मामा और मामा दोनों के लिए, जबकि ब्लैकपिंक को उनका फर्स्ट ग्रैंड प्राइज यानी दसंग 2022 में मिला, इतने सालों बाद। क्यों? क्योंकि लॉन्ग एल्बम बाद में बनी थी और अब ब्लैकपिंक अपने सॉन्ग में कंट्रीब्यूट भी करता है, पहले नहीं करता था, मतलब कंपनी नहीं करने देती थी। और यही रीज़न है कि इतने अच्छे सॉन्ग के बाद भी ब्लैकपिंक इतने सालों से ग्रैमी में नॉमिनेट क्यों नहीं हुआ। खैर, हर कंपनी का काम करने का अपना अपना तरीका है। YG का अपना तरीका है, JYP का अपना तरीका है, बिग हिट का अपना तरीका है। आप कमेंट में कोई टॉक्सिस ट्वाइस फैन या ब्लैकपिंक फैन आके फालतू बातें तो कर मत देना। एल्बम बनाना कंपनी का काम है, इसमें हम या आइडल्स कुछ नहीं कर सकते, तो आपको जो शिकायत है वो प्लीज़ कंपनी से जाके करना। कृपया अपना जहर यहाँ मत उगलना। ओके, फिर मिलते हैं, टेक केयर, सी यू अगेन।